हेलो एंड वेलकम एवरीवन स्वागत करता हूं आप सभी का जीत फाउंडेशन क्लासेस में प्यारे साथियों सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर नए नवीन वर्ष जो है आपके जीवन में नए लक्ष्यों की सफलता का कहना चाहिए कि सौगात लेकर आए और आप सभी जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आपका परिश्रम परिणाम में बदले और साथ ही साथ में आप सभी के जो लक्ष्य हैं वो हासिल हो सके ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ चलिए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि सर जो छत्तीसगढ़ व्याख्याता जो जो भौतिकी का सेक्शन है के. एक पेपर 2019 में हुआ था, फिर चार साल बाद चल के दो हजार तेईस में पेपर हुआ वो भी बैकलॉग का पेपर था उसमें ओबीसी की टोटल जो सीटें थी वो जीरो कर दी गई थी परंतु इस बार जो शिक्षक भर्ती होने वाला है उसमें संपूर्ण राज्य में पेपर होगा और जो व्याख्याता के जो पद हैं वो काफी ज्यादा अभी राज्य में हमारे आज के डेट में रिक्त हैं 7700 से ज्यादा व्याख्याता के पद रिक्त हैं तो एक अच्छी पहल एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सब लोग के बीच में है नए वर्ष में आप बेहतर तैयारी के लिए आ, आप लोग आगे आ सकते हैं और इसी तैयारी को इसी परिश्रम को परिणाम में बदलने के लिए जीत फाउंडेशन क्लासेस ने नया वर्ष का महा ऑफर भी आप लोग के बीच में ला रखा है आप लोग का 31 दिसंबर से लेकर 7 जनवरी तक आप लोग का ये ऑफर चल रहा है जिसमें जिसमें जो हमारी व्याख्याता भौतिकी की जो एक्चुअल जो प्राइसेस है ठीक है वो देख लीजिए वो पैंतीस सौ का है और अभी ऑफर पीरियड में एक से सात जनवरी तक केवल और केवल उन्नीस सौ निन्यानवे इसके बाद फीस पैंतीस सौ ही रहेगी सर क्योंकि पैंतीस सौ में भी अगर देखा जाए तो हम राज्य में सबसे ज्यादा रिजल्ट देकर भी सबसे न्यूनतम शुल्क में आप लोग को क्लासेस प्रोवाइड करते हैं ठीक है क्या आवाज आवाज सब लोग को अच्छे से क्लियर तो है दोस्तों चलो नेक्स्ट है सर जो ओल्ड स्टूडेंट है चाहे वो ओल्ड स्टूडेंट आप लोग के मध्य प्रदेश वाले हो या भारत के कोई दूसरे राज्य वाले हो झारखंड वाले हो छत्तीसगढ़ वाले हो जिनकी बैच एक्सपायर हो चुकी है एक साल के ड्यूरेशन रहता है आप लोगों का तो प्यारे साथियों आप इतना समझ लीजिएगा कि आप 1249 अभी पे करके इन एक हफ्ते के अंदर आप लोग अपनी कोर्स की वैलिडिटी को वापस से बढ़ा सकते हो आपको नए बैच में ऐड किया जाएगा और ये बैच पूरी तरह से लाइव रह रही है मैंने अभी अभी थर्मोडाइनमिक्स पूरा लाइव कंप्लीट किया यूनिट एंड मेजरमेंट वन डायमेंशन मोशन ये सब लाइव क्लासेस जा रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चल रही है ऑफलाइन जो बच्चे आके पढ़ना चाहते हैं देखो एक तो मैं इतना कहूंगा कि ऑफलाइन मोड में वर्ग एक की कक्षाएं पूरे संभाग में कोई नहीं संचालित करता है हकीकत बात है सर क्योंकि उस ग्रेड के टीचर्स भी तो होने चाहिए बच्चे सामने बैठेंगे और क्या डाउट पूछेंगे उसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा ऑनलाइन में तो चीजें थोड़ी सी ऐसी होती है कि आसान हो जाती हैं क्योंकि सामने कोई बैठा नहीं है बट ऑफलाइन में तो बहुत कुछ है और मेरी क्लासेस में तो भैया केंद्रीय विद्यालय और बहुत सारे अलग अलग प्रशिक्षित लोग या वहां पर जो ट्रेन टीचर्स है वो लोग बैठ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको बेस्ट कंटेंट दे ठीक है तो इसीलिए मैंने डेमो भी आप लोग को यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है काफी न्यूनतम शुल्क में आपको सारी चीजें मिल रही हैं एक से लेकर सात जनवरी याद रखेंगे आपको जो ओल्ड स्टूडेंट है वो इस प्राइस पे और जो न्यू स्टूडेंट है इस प्राइस पे बैच को एक्टिव कर सकते हैं अभी जो वैलिडिटी है है वो भी नौ महीने की बाद में जब ये एक्सपायर भी होगी तो भी आप उस समय का हाफ ही पे करके अपनी वैलिडिटी को बढ़ा पाओगे ठीक है और आपको कोई भी डाउट लगे दोस्तों आप इन दो नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अब चलिए अब हम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आते हैं ठीक है कि भैया

पर हो सकता है कि वो अभी स्टार्टिंग ऑफ ईयर ना आए मिड ऑफ ईयर या जाए नवोदय विद्यालय की ऐसे बहुत सारी वैकेंसी होती हैं चाहे उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश हैं इसमें भारत के किसी भी राज्य का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है छत्तीसगढ़ में जो होता है ना यहाँ पर केवल यहाँ के स्थानीय निवासियों का ही आ, मतलब प्रेफरेंस रहता है बाहर स्टेट वाले स्टूडेंट यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि परीक्षा व्यापम द्वारा लिया जाता है ठीक है तो ये सारी चीजें हैं आप लोग को समझना है कि एक बार अगर आप लोग तबियत से पढ़ाई कर देते हो मेरे कंटेंट के साथ जी जाते हो तो आप यकीन कर लीजिए कि आप लोग को चाहे वो सेंट्रल लेवल हो चाहे आप लोग का स्टेट लेवल हो हर जगह आपको फायदा मिलने वाला है अब ये जो समझो ये जो पीजीटी का सिलेबस होता है फिजिक्स में देखोगे तो लगभग तीस चालीस चैप्टर है

ठीक है एग्जाम जब हो उस दिन स्टूडेंट जब जाए ना पेपर दिलाने तब सिलेक्शन लेने जाए ना कि दूसरों की तरह एग्जाम देने जाए और जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन में तैयारी के लिए तो संचालित हैं आप। में, सिविक सेंटर में हमारी क्लासेस अभी तो आप आ सकते हैं लिमिटेड सीटें हैं आप वहां पर आकर अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं दो जनवरी से हम लोग वापस से नए एंड से फिर से सारी क्लासेस को रिस्टार्ट कर रहे हैं अब सवाल यह आता है ठीक है सवाल यह आता है कि भैया यहां पर कौन कौन से चैप्टर के क्या क्या वेटेज थे 2019 के पेपर में और साथ ही साथ में 2023 के पेपर में तो चलो मैंने थोड़ा रिसर्च करके दोनों पेपर का एनालिसिस करके मेहनत करके आप लोगों के लिए पढ़ाई आसान कर दू इसके लिए मैंने आप लोग के बीच में सीधा सीधा पीजीटी फिजिक्स का मैंने एनालिसिस आपके बीच में ला दिया है यह दो के पेपर का है सर और ये 2023 का पेपर जो इस साल हुआ हालांकि ये बैकलॉग का पेपर था इसमें सीटें थोड़ी सी बहुत कहना चाहिए जनरल ओबीसी वालों के लिए नहीं थी और पेपर भी थोड़ा सा इजी लेवल का आया था ठीक है कोई दिक्कत नहीं है हमको तो एनालिसिस से मतलब है कि किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए थे तो जो मापन और सदी है सर मापन और सदी का मिलाकर आप याद रखेंगे कि 2019 में एक प्रश्न थे वहीं 2023 में तीन से चार प्रश्न पूछे गए थे और इस बार ना वेक्टर कर्लिंग और वेक्टर जो हायर लेवल में पूछा जाता है उसके प्रश्न थोड़े से 2023 के पेपर में पांच छे प्रश्न आ गए थे सर इसलिए मैं उसको मिसलेनियस में डाल दिया हूं विविध में डाल दिया हूं ठीक है एक विमीय गति 2019 में तीन प्रश्न 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था विमीय गति में 2019 में भी हजार 2023 में दो प्रश्न दो प्रश्न तेईस में तीन प्रश्न पूछे गए ऊर्जा वर्क पावर एनर्जी दो नौ साल आप देखो इस बार इधर से तीन प्रश्न और तेईस में दो प्रश्न पूछ दिए गए रोटेशनल मोशन घूर्णी गति यहाँ से आप देखिए ये थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है और टफ भी पढ़ता है तो आई सजेस्ट इस चैप्टर को जैसे होता है ना कि क्या पढ़े उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है क्या ना पढ़े तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि भैया रोटेशनल मोशन में ना ऊपर ऊपर की पढ़ाई अच्छी करेंगे हम लोग एकदम माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेटेज बहुत कम है उन्नीस में भी केवल दो प्रश्न पूछा गया तेईस में केवल एक प्रश्न पूछे गए और वो प्रश्न भी ग्राफिकल आया बहुत टफ लेवल का आया ठीक है गुरुत्वाकर्षण जो है 2019 में दो प्रश्न तेईस में एक प्रश्न जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है मतलब जो ठोस के यांत्रिक गुण है दोनों साल दो दो प्रश्न आए हैं दोस्तों जो फ्लूड मैकेनिक्स है फ्लूड मैकेनिक्स में 2019 में चार प्रश्न पर 2023 में केवल दो प्रश्न आए जो उष्मा संचरण है या पदार्थ की उष्मीय गुण या हीट ट्रांसफर जिसको इंग्लिश में बोलते हो दोस्तों तो उसको देख लो तो एक प्रश्न और इस साल एक भी प्रश्न नहीं है ठीक है मतलब आप इतना समझ रहे हैं कि किन किन चैप्टरों को अगर हम स्किप करके भी चले जाएं तो बहुत फायदा होगा तो सर हीट ट्रांसफर को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हालांकि बहुत छोटा होता है ये तो दो तीन क्लास में खत्म भी हो जाता है इसको कवर करेंगे दोस्तों ओके इसको मत स्किप करना बट आपका रोटेशनल मोशन को इन चैप्टर को ना आप थोड़ा लाइटली लेके भी चल सकते हो थर्मोडाइनेमिक्स देखो यहाँ पर थर्मो को आप ना स्किप नहीं कर सकते कारण क्या है थर्मोडाइनेमिक को स्किप ना करने का दोस्तों क्योंकि देखो ये हीट ट्रांसफर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस और ये तीनों मिक्सअप रहते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं तो 19 में एक प्रश्न आया था उसमा गति की थर्मोडाइनेमिक से पर तेईस में देखो तो दो प्रश्न आया था और मुद्दा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस उस साल तीन प्रश्न इस साल चार प्रश्न तो मिला जुला के देखा जाना था तो छह प्रश्न हुआ था अभी अभी मैंने थर्मोडाइनमिक्स पूरा कवर कराया है मैंने कार नोटर साइकिल हीट इंजन इन सबके भी आप लोग को वीडियो YouTube पर भी डेमो के रूप में अपलोड करा दिया आप लोग क्वालिटी पहले देख लो कि हम किस लेवल पे जाके, किस पे जाके जाके किस क्वालिटी पढ़ाई करते हैं और अगर लगे कि हाँ इस मिनिमम चार्जेस में इस लेवल की पढ़ाई कहीं और से मिल सकती है तो मैं बोलूंगा चुनाव आप वही करिएगा और लगे कि हाँ जीत फाउंडेशन रास्ता है आप लोग के मंजिल तक पहुंचने का तो दोस्तों देर मत करना सात जनवरी तक ही हम उस फीस स्ट्रक्चर को एफोर्ड कर पाएंगे उसके बाद फीस बढ़ेगी और घटेगी नहीं ठीक है ये मैं थोड़ा बोल रहा हूँ क्योंकि पीजीटी लेवल का जो कंटेंट दिया जाता है ना सर हालत खराब हो जाती है बीस लोगों की टीम रहती है ठीक है बहुत से लोग आके आलोचना भी करने लगते हैं तो जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना जब तक एग्जाम नहीं तब तक ये नहीं भैया आप इतना समझिए जब तक एग्जाम नहीं हो रहा है तब तक फीस नहीं लेना चाहिए ठीक है आपकी सलाह अच्छी है पर वो स्वार्थ सलाह हो गई ना क्योंकि आप केवल अपना निजी स्वार्थ देख रहे हो यहाँ तो जब तक एग्जाम नहीं होगी मुझे तो हर हर महीने यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल रूम रेंट इतने हाई प्रोफाइल जगह पे हमने रूम लिया है छत्तीसगढ़ में भिलाई ज्ञान की राजधानी और वहां का एजुकेशन हब है ये तो उसके साथ ही साथ बीस स्टाफ की सैलरी ठीक है तो इस तरीके से सारी चीज़ें संतुलित करके चलाई जा रही हैं इसलिए जब फीस महंगा होगा तब फिर आप लोग चूक मत जाइए ऑफर को इसलिए मैं जाइएंगा अपने सारे दोस्तों में सारे एमएससी के साथ पढ़े हुए सारे फ्रेंड्स ग्रुप सर्कल में वीडियो को शेयर कर देना ठीक है क्योंकि मैं आपको सीधा सीधा एनालिसिस में बता दे रहा हूं कि किन चैप्टर पे आपको स्पेशल फोकस करना है किन पे नहीं करना है सबसे खास बात यह है सर कि जो क्लास का हमारा पूरा वेटेज होता है ना सिंपल हारमोनिक मोशन प्रश्न पूछे गए थे सर, बट अभी केवल एक प्रश्न आए हैं तो कुल मिला जुला के समीकरण ये बनता है ना कि जो क्लास इलेवंथ का जो वेटेज है भैया सौ प्रश्न टोटल आते हैं मैं हकीकत बता रहा हूं क्लास इलेवन से एट मैक्स जाता है सर तीस से पैंतीस प्रश्न असली प्रश्न और असली सिलेक्शन छुपा हुआ है क्लास ट्वेल्थ पे क्लास ट्वेल्थ का अब हम लोग स्टडी वो देखेंगे सर डाटा देखेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है स्थिर वैद्युत तो आप देख सकते हो 19 में आठ प्रश्न 2023 में सात प्रश्न इक्वली इंपॉर्टेंस मेंटेन करके चल रहा है सर तो भैया दमदार टॉपिक है इसको छोड़ना नहीं है दो जनवरी से जो मेरी नई ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी लाइव क्लासेस चालू हो रही है

तो इसलिए चीजों को नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि इलेवेंथ का पढ़ने का मतलब नहीं है फिर आप बाहर है हकीकत बता दे रहा हूं पैतीस क्वेश्चन आधा क्वेश्चन आधा मार्क्स मैटर करता है सर आप कहा पैंतीस क्वेश्चन छोड़ने की बात बोल रहे हैं आप रेस से बाहर हो जाएंगे इलेवेंथ का या कोई भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है सर और मेरी जिम्मेदारी है मैं एक एक टॉपिक आपको कंप्लीट करा के दूंगा और इस बार पूरी लाइव बैचेस है एक भी टॉपिक के लिए आप ऐसा नहीं सोचेंगे पर हाँ पहले ट्वेल्थ को हम लोग कंप्लीट करेंगे तीन तीन चार चार राउंड रिविजन शेड्यूल हमारा मेंटेन चलेगा जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा हम रिवीजन भी लगाते जाएंगे टेस्ट करेंगे एनालिसिस करेंगे हर वो चीज आपको प्रोवाइड की जाएगी ना सर जो आपके सफलता के लिए जरूरी है और मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि जितना कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे आप उसका एक तिहाई कंटेंट भी दूसरी जगहों पर नहीं पाएंगे और फीस हमसे तो तीन गुना आप सब जगह पाएंगे इसलिए जो भी स्टूडेंट है जल्दी जुड़ जाना क्योंकि उसके बाद फिर फीस बढ़ेगी और फिर वो स्थिर रहेगी क्योंकि पीजीटी के लिए तब भी देखा जाए तो राज्य में सबसे कम चार्जेस पे हम क्लासेस चला रहे होंगे ठीक है

ज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट दोनों को मैंने एक साथ जोड़ा है इसका अर्थ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और 2019 में सर 15 प्रश्न आए थे आठ प्रश्न आपके ई से सात प्रश्न आपके अल्टरनेटिंग करंट से पंद्रह प्रश्न थे यह साल ग्यारह और चार थे सॉरी ग्यारह चार इस साल देखो भैया चार ग्यारह क्वेश्चन आए हैं इसका अर्थ ये समझ रहे हो कि भैया इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म

ड्यूल नेचर देखो मॉडर्न फिजिक्स यहां से लग रही है सर मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज देखिए चार प्रश्न पिछली बार इस बार पांच प्रश्न आए न्यूक्लियर फिजिक्स और एटम एंड मिलाकर मतलब कि नाभिकीय भौतिकी और परमाणु जो भौतिकीय मिला के ग्यारह और नौ प्रश्न मतलब मेजर वेटेज है सर फुल स्कोरिंग है जितना मैं कवर करा दूंगा एग्जाम में बाहर से प्रश्न नहीं आएगा ठीक है वहीं पर जो सेमी है दोनों साल पांच पांच छह छह प्रश्न आ रहे हैं कम्युनिकेशन सिस्टम संचार के यंत्र चार चार क्वेश्चन दोनों वर्ष आए हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट और जो ऑप्टिक्स है मिला के पहले सात प्रश्न आए थे अभी भी मिला के सर छह प्रश्न आए थे मिसलेनियस करके मैंने चार पांच प्रश्नों को डाला है क्योंकि इस बार थोड़ा ना वेक्टर के थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिले थे जो बाहर के कहीं से उठा के डाल दिए गए थे तो ये है आप लोग का पूरा का पूरा दो साल का चैप्टर वाइज एनालिसिस और इनको देख के आपको बहुत सी बातें क्लियर हो गई कि भैया हमको पढ़ाई किस लहजे में लेकर चलना है किस पर ज्यादा ध्यान देना है किस पर कम ध्यान देना है हालांकि मैं तो बस इतना बोलूंगा कि केवल आपको हमारे क्लास से जुड़ना है बाकी सारी चीजों की जिम्मेदारी हमारी रहेगी ठीक है कंटेंट से लेकर आपके रिविजन से लेकर टाइम पे आपके क्लासेस जाए नोट्स मिले टेस्ट हो और टेस्ट में आप लोग की रैगिंग भी हो ये सब चीज की व्यवस्था होगा तब जाके आप लोग क्योंकि पीजीटी का पोस्ट छोटा मोटा पोस्ट नहीं होता है और सोचेंगे दो महीने में तैयारी कर ले तो सर तीस पैतीस चैप्टर है एक एक चैप्टर में कम से कम सर सात आठ वीडियो बनता है मान के चलो कि भैया मैं तो चलो कम में निपटा भी लेता हूं ठीक है कम लेक्चर से मेरे क्लासेस हो जाती है उसके बाहर आप लोग इंडिया का कोई टेक्स्ट बुक आप उठा के एम प्रैक्टिस करो आपसे बनेगा बच्चे हमेशा बुक के बारे में पूछते हैं तो देखो बुक में ना इतना बोल सकता हूँ कि खाली मेरा कंटेंट क्योंकि मैं खुद आप लोग को एक एक चैप्टर पर सर सौ से, से, टेस्ट, टेस्ट, से तीन सौ क्वेश्चन जिसमें आपको इतने क्वेश्चन मिल जाएंगे कंटेंट के पे कभी मत जाना मैं खड़ा हूं तो मेरा बस यही ध्यान है कि हर इंसान क्योंकि यहां पर वर्ग एक बी ग्रेजुएटेड रैंक है सर ऐसे नहीं है राजपत्रित अधिकारी के अंतर्गत आता है वर्ग एक शिक्षक और महीने का भैया सत्तर हजार की सैलरी रहेगी आपकी उसके आसपास की तो आप अंदाजा रखिए कि मेहनत करना पड़ेगा दो महीना पढ़ के निकाल लेंगे तो भैया सपना मत देखिए क्योंकि आपको पता है जिन्होंने एमएससी कर रखा होगा ना उनको पता है कि भैया ये जो सिलेबस होता है ना पाँच पांच छह छह महीने तक चलता है इसलिए हमारी एंड से क्लासेस चलेंगी डबल इंजन से हम लाइव भी लेंगे रिकॉर्डेड भी होंगे एक हफ्ते में दो टॉपिक चलाएंगे और साथ ही साथ में आपके दोनों टॉपिक के टेस्ट होंगे उनके एनालिसिस होंगे तो सारा चीज सिस्टम से मैं अरेंज करूंगा किस वीक में क्या क्लास चलेगी उसका भी एक टाइम टेबल बने रहेगा जो ऐप पर अपलोड करा दिया जाएगा ताकि आपको पता रहे कि हाँ इस वीक हमारी ये ये क्लास चलने वाली है इस इसकी इसकी तैयारी करनी है इसका टेस्ट इस दिन होगा ठीक है और मैं भी तब एकदम क्या रहेगा रूटीन वाइज रिस्ट्रिक्टेड रहूंगा किस समय पे अपने को खत्म करना है तो आप देख सकते हो कि सर मॉडर्न फिजिक्स हो गया सेमी कंडक्टर हो गया ठीक है ड्यूल नेचर ये मतलब मॉडर्न फिजिक्स की देखा जाए ना तो मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूल नेचर न्यूक्लियर फिजिक्स ये मिला के देखो तो भी ग्यारह चार पंद्रह पंद्रह और दस पच्चीस प्रश्न आए थे सर पहले और इस बार भी देखिए चौदह और चौदह चार तेईस तेईस और सॉरी चौदह चार अठारह अठारह पांच तेईस प्रश्न आए हैं सर मतलब सबसे बड़ा वेटेज मॉडर्न फिजिक्स के पास है आपके फिजिक्स को वैसे भी उसने चार सेक्शन में बांटा है मॉडर्न फिजिक्स के पच्चीस क्वेश्चन आने ही आने हैं ठीक है वैसे ही आप लोग इधर देख सकते हो तो सबसे वैल्यूबल चैप्टर में रेशियो मतलब बन रहा है इसीलिए हम लोग थर्मोडाइनमिक्स को कवर किए हैं कल के क्लास से के चालू करेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये जैसे ही खत्म होगा हाथ में हमारे चार पांच प्रश्न आ जाएंगे एक साथ इसके तुरंत बाद फिर मैं आप लोग को सीधे सीधे नए सिरे से जो आप लोग क्लास ट्वेल्थ का जो सेक्शन है उसको मैं उठा लूंगा तो बस इतना बोलूंगा कि शेयर कर दीजिए एक से सात जनवरी के बीच में जो आपको ऑफर मिल रहा है नए वर्ष के उपलक्ष्य में उसका फायदा उठाइए जो ओल्ड स्टूडेंट है जो न्यू स्टूडेंट है आप सभी लोग ओल्ड स्टूडेंट जो पहले जिनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है और नए बैच में जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आ, उसमें नए बैच में तो आप पूरी लाइव क्लासेस जाएंगी साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी जाएंगी और जो टेस्ट होगा पी वाई क्यू होगा सब नए बैच में रहेगा तो यहाँ पर आप इस चार्ज में इनरोल करा सकते हैं अपनी वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं न्यू स्टूडेंट एक से सात जनवरी तक तो इस प्राइस में जुड़ेंगे बाद में फिर ये रियल प्राइस दोनों के लिए रहेगा तब मत बोलना सर हमें पता नहीं चला था ठीक है इसलिए मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बोलूंगा कि आप लोग वीडियोस को शेयर कर लीजिए अपने सारे दोस्तों को बता दीजिए और तैयारी में लग जाइए क्योंकि जब पोस्ट आएगा तो भैया राजपत्रित अधिकारी बनने के लिए आपने इतने दिन से मेहनत किया था बारहवीं तक पास किए ग्रेजुएशन किए मास्टर्स किए केवल कि एक मौके के इंतजार में मौका आएगा तो चूक मत जाना ठीक है तो तैयारी जुड़ के लगनी पड़ेगी ठीक है चलिए मिलते हैं दोस्तों अपना ख्याल रखिए और नए वर्ष की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने सारे एमएससी के दोस्तों को भेज दीजिएगा ऑल द बेस्ट